आपको यकीन नहीं होगा कि आज मैंने दो कटोरी सूजी से ये थाली भर मीठा तैयार किया है, वो भी इतना टेस्टी कि जिसके बाद तो आपको त्योहार भर बाजार से मीठा लाना ही नहीं पड़ेगा। मेरी दादी त्योहारों पर ये वाला मीठा जरूर से बनाती थी, क्योंकि इसको ना आप अभी बना लीजिए तो पूरे महीने भर तक आप रख सकते हैं, और खाने में ये इतना टेस्टी होता है कि घर के बच्चे, मतलब जब हम छोटे थे तो वो डब्बा भर भर के रखा रहता था और बस दिवाली आती भी नहीं थी उससे पहले ही खत्म कर लेते थे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पारुल, कुक विद पारुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। त्योहार वाला 3-in-1 मीठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 2 कप सूजी। अब यहाँ पर जो आपको सूजी लेनी है आप कोई भी ले सकते हैं, रेगुलर वाली, बॉम्बे रवा, बारीक वाली हो, मोटी वाली हो, कोई भी ले लीजिए, क्योंकि जिस तरह से हम इसे बनाने वाले उसमें कोई परेशानी नहीं आने वाली। तो कोई घर की कटोरी या कप मेजरमेंट के लिए ले लीजिए, उस अनुसार आप ये 2 कप सूजी ले लें। सबसे पहले हम यहाँ लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, और ग्राइंडिंग जार में सारी सूजी डालकर और इसका एक फाइन पाउडर तैयार करेंगे। बहुत ज्यादा फाइन नहीं, हल्का सा कोर्स ही रहेगा, लेकिन सूजी अगर मोटी वाली है तो थोड़ी बारीक हो जाएगी। तो इसको बिल्कुल बढ़िया से पीस लेंगे, और ये देखिए इस तरह का दरदरा सा फाइन पाउडर आप देख सकते हैं तैयार हो जाएगा सूजी का। अब आप एक बड़ा बर्तन लें, उसमें ये सारी सूजी हम निकाल लेंगे। अब इसी ग्राइंडिंग जार में हमें करना है एक और सीक्रेट वाला काम। अब यहीं पर ग्राइंडिंग जार में हम डालेंगे 1/2 कप फ्रेश दही। ध्यान रखिए ताजा ही होना चाहिए दही, बिल्कुल भी खटास वाला दही ना हो, ये जरूरी पॉइंट है इस बढ़िया खस्ता बिस्किट शकरपारा बनाने के लिए। साथ ही इसमें जाएगी 3/4 कप चीनी। 3/4 कप का अर्थ हो गया 1 कप से थोड़ी सी कम। सारा मेजरमेंट उसी कप या कटोरी से करें। अब यहीं पर इसमें हम डालेंगे 1/4 कप नारियल का बुरादा, डेसिकेटेड कोकोनट, जो सूखा वाला खोपरा होता है ना, तो ये लगभग ऐसे समझिए 5 बड़े चम्मच के करीब नारियल का बुरादा डालेंगे यहीं पर। साथ ही यहाँ पर डालेंगे 1/4 कप देसी घी। आप देसी घी का ही इस्तेमाल करें, बहुत बढ़िया इससे खस्तापन आता है, जब हम तेल डालते हैं तो क्रिस्पनेस बढ़ती है। और 1 पिंच डालेंगे नमक, सिर्फ 1 पिंच, ऐसा नहीं है कि इससे नमकीन हो जाएगा। मीठी चीजों में जब आप थोड़ा सा नमक डालते हैं तो जो फ्लेवर्स हैं वो बहुत इनहेंस हो जाते हैं। साथ ही इसको और भी ज्यादा क्रिस्पी और फ्लफी बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 1/4 छोटी चम्मच खाना सोडा, जिसे हम बेकिंग सोडा बोलते हैं। बस आपको ये 2 चुटकी भर डालना है। अब बस सभी चीजों को बढ़िया से कर लेंगे ब्लेंड। ब्लेंड करने से क्या फायदा होगा कि जो दही में लम्स वगैरह होंगे ना, दही भी बिल्कुल स्मूथ हो जाएगा, चीनी एकदम बढ़िया से मेल्ट हो जाएगी दही में, हमें बहुत देर तक फेंटना नहीं पड़ेगा। और ये देखिए सब चीजें बिल्कुल बढ़िया से पिस गई हैं, बिल्कुल ये कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, ये देखिए परफेक्ट। अब बस जिस बर्तन में हमने सूजी ली थी उसी में धीरे धीरे करके इस मिक्स को डालते जाएंगे। चम्मच से एक ही डायरेक्शन में सूजी को मिक्स करते जाएंगे। बिल्कुल हमें एकदम इसका सॉफ्ट डो लगाना है, क्योंकि सूजी अभी अब्सॉर्ब करेगी इसको तो ये थिक हो जाएगा। गलती से कोई भी रेशो आपसे ऊपर नीचे हो जाए तो फिर यहाँ थोड़ी सूजी की मात्रा और बढ़ा लीजिएगा, या फिर दही कम हो जाए तो थोड़ा सा फेट करके दही ऐड कर लीजिएगा। और अपने इस मीठे को और भी बढ़िया और टेस्टी बनाने के लिए, कि खाने में क्रंची क्रंची और भी लगे, मैं इसमें डाल रही हूँ 2 से 3 बड़ा चम्मच के करीब सफेद तिल। पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लाइक करें तो डालिए, ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं जैसे काजू बादाम वगैरह बारीक करके। साथ ही इसमें हम डाल देंगे 1/2 छोटी चम्मच इलायची पाउडर फ्लेवर के लिए। अब चम्मच से सभी चीजों को बिल्कुल बढ़िया से इस तरह से देखिए मिक्स करेंगे। इस रेसिपी को बनाने में आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो चीजें मैं बता रही हूँ स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो कीजिए, पहली बार में ही बिना फेल आप इसको बना पाएंगे। और ये देखिए एकदम सॉफ्ट डो तैयार हो गया है, बिल्कुल इस तरह का। अभी सूजी दही को अब्सॉर्ब करेगी तो और थोड़ा थिक हो जाएगा। बहुत ज्यादा मसल मसल कर इस आटे को नहीं लगाना है, क्योंकि वो जो क्रैक्स आप देखते हैं ना, खस्तापन आता है, बस हल्के हाथ से आटे को लगाइए, उससे परफेक्ट आपका रिजल्ट आएगा। अब हमारे जो बिस्किट चकर पा रहे हैं उन्हें परफेक्ट शेप देने के लिए इसको हम रख देते हैं 15 मिनट के लिए फ्रिज में। ये देखिए आटा बिल्कुल बढ़िया से आप देख सकते हैं हल्का सा टाइट हो गया है। अब बस कुछ नहीं करना है, 2 भाग में डिवाइड करेंगे आटे को इस तरह से, और बस एक इसका लंबा रोल तैयार करेंगे, देखिए ऐसे एकदम स्मूथ। अगर लगे कि इधर उधर से ब्रेक हो रहा है तो थोड़ा सा प्रेस कीजिए, वापस से रोल बना लीजिए, देखिए इस तरह बन गया। अब बस इसको हमें देनी है तिकोनी शेप, यानी ट्राइंगल शेप। तो उसके लिए हाथ से दोनों साइड से ऐसे दबाते जाइए, ऊपर की तरफ देखिए ऐसे उठाते जाइए, और थोड़ा सा प्रेस करते हुए इस तरह इसको तिकोनी शेप देंगे। बहुत ही आसान जो इसका लुक आएगा, मतलब मेहमान जब आप नाश्ता लगाएंगे ना दिवाली का,
सबसे पहले हाथ बढ़ाकर इसी को उठाएंगे, क्योंकि इसकी जो लुकिंग है बिल्कुल ऐसी लगेगी क्या शाही मिठाई बनाई है, खाते ही आपकी तारीफ करेंगे। तो बस देखिए, इस तरह से मैंने इसकी तिकोनी शेप बना ली है। आटा टाइट हो गया था ना, तो कोई परेशानी नहीं होगी आपको शेप देने में। और इसको देखिए इस तरह से मीडियम थिकनेस का, बहुत ज्यादा मोटा नहीं, बहुत ज्यादा पतला नहीं, तिकोना तिकोना कट कर लेंगे बिस्किट की तरह। ये देखिए, और ये देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं, टेक्सचर देख रहे हैं आप, बनने के बाद तो बहुत ही मस्त आएगा। यदि मुलायम लगे आपको तो कोई बात नहीं, आप इस तरह पहले शेप को हम कट कर लेंगे, आप कुछ देर के लिए फ्रिज में वापस रख सकते हैं 10-15 मिनट, फिर फ्राई कर सकते हैं। और ये देखिए मैंने सारे पीसेस को कट कर लिया है इस तिकोनी शेप में, कितने सुंदर दिख रहे हैं। आप अपने मनचाही कोई भी इसको शेप दे सकते हैं, मुझे ये बहुत ही बढ़िया लगी इसलिए मैं आपके साथ ये वाली शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर तेल को कढ़ाई में मैंने पहले ही गर्म होने के लिए रख दिया था। सबसे जरूरी पॉइंट, एकदम हल्का गर्म तेल होना चाहिए जब आप इसको डालें, मतलब इतना कि हल्के हल्के बबल्स आए। छोटा टुकड़ा एक डाल के देख लेंगे। ये देखिए मैंने डाला, बबल्स आ रहे हैं ना इसमें, ऐसा हमें हल्का गर्म तेल चाहिए। फ्लेम को कर देंगे मीडियम और धीरे धीरे करके अपने खजूर शक्करपारे सूजी वाले डालते जाएंगे। एक साथ बहुत ज्यादा नहीं भरेंगे क्योंकि अभी फूलेंगे ना, तो बस थोड़ा थोड़ा बैचेस में डालिए और फ्राई कीजिए। और डालने के बाद तुरंत से बिल्कुल टच नहीं करना, धीरे धीरे ये ऊपर आएंगे, बबल्स जो आप देख रहे हैं वो हल्के हल्के कम हो जाएंगे। उसके बाद एक चम्मच से हम इसे रोटेट कर देंगे। आने वाले करवा चौथ, दिवाली वगैरह, जो छठ पूजा, इन सबके लिए आप अभी से बना बनाकर भर के रख लीजिए डिब्बे। हल्का गोल्डन कलर आने तक इसे फ्राई करना है, क्योंकि निकालने के बाद भी ना ये रंग पकड़ लेते हैं गर्माई से। ये आप टेक्सचर देख सकते हैं, ये देख रहे हैं इसमें क्रैक्स, ये है खास बात, परफेक्ट खस्तापन, परफेक्ट टेक्सचर, खाने में एकदम मस्त, बहुत ही प्यारा गोल्डन क्रिस्पी कलर आ गया है जैसे कि आप देख सकते हैं। और अब ये देखिए इसका टेक्सचर और क्रिस्प, और ये देखिए इसमें क्या क्रैक्स आए हैं, ये है खास बात। जो जाली आप देख रहे हैं ना, इससे पता चल रहा है कि अंदर तक खस्ता और क्रिस्पी बने हैं। बस इसी तरह से फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे क्योंकि तेल काफी ज्यादा गर्म है, और कुछ क्षण बाद सेकंड बैच के भी फ्राई करेंगे। तो ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारा त्योहार वाला बहुत बहुत स्पेशल 3-in-1 मीठा। ये देखिए इसका टेक्सचर, मैं पास से आपको दिखाती हूँ, आप एक एक लाइंस और इसका टेक्सचर और क्रिस्प देख सकते हैं कैसा बना है। और ये देखिए इसका क्रिस्प, सुनी आवाज आपने, ठंडे हो जाने के बाद ये बहुत क्रिस्पी हो जाते हैं, निकालते वक्त आपको हल्के सॉफ्ट लगेंगे, बहुत ही क्रिस्पी क्रंची बनते हैं। तो जरूर से बनाइए और इस तरह बना करके एक डब्बे में भरकर रख लीजिए, आराम से एंजॉय कीजिए अपने त्योहार को।